बच्चों, ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है रसायन शास्त्र का, और मैट्रिक परीक्षा में अक्सर और कंपटीशंस में भी अक्सर पूछा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इन दोनों को तुलनात्मक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है आपको ये दिमाग में घुस जाएगा, याद रहेगा। देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों में यही समानता है। अगला है उष्मा शोषी। देखिए, आपने आप नाम देख रहे हैं उष्मा शोषी, शोषी हिंदी में जानते हैं शोषण शब्द से बना है, तो इसमें उष्मा का रासायनिक, ये उष्मा का शोषण होता है। उष्मा शोषी में उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, और उष्मा क्षेपी में उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है N2+O2, है ना, जिसमें उष्मा गर्म करने पर ही NO का निर्माण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें पहले उष्मा लगता है, तब जाकर के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन इसमें उष्मा क्षेपी में क्या होता है कि इसमें अभिकारक जब मिलते हैं तो बहुत जोर की, बहुत अधिक उष्मा निकलती है। अब जैसे कार्बन में ऑक्सीजन का मेल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और उससे बहुत बड़ी उष्मा निकलती है, और 94.45 किलो कैलोरी उष्मा निकलता है, है ना। तो ये हो गया आपको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और ये हो गई आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी में उष्मा का शोषण होता है, उष्मा क्षेपी में उसका उल्टा, उष्मा निकलती है, उत्पन्न होती है। यही मौलिक अंतर है मेरे बच्चों।